So, good morning everyone. Welcome back to my channel Informatica Hub. So basically, as जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर alternate day में कुछ IT topics के बारे में बात करता हूँ जो basically बहुत सारे freshers की query रहती है. अभी तो मैं freshers से related ही topic से बात कर रहा हूँ. So basically, today I'm going to talk, कौन सा topic उठा ले बताओ. रात के बज रहे हैं 11:56. So basically, मैं video बना रहा हूँ किस cause के कारण. कोई भी एक टॉपिक सोचता हूँ जो आप लोग की डाउट रहती है और उसे अच्छे वे में सारे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. तो देख लो, आफ्टर माय ऑफिस आवर्स अराउंड 11:57, 12 बज रहे अराउंड और वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ. तो यार, वीडियो में अंत तक बने रहना. कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन आपको सही ना लगे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ कि क्या आप जानना चाह रहे हो और क्या मैं गलत बोला हूँ. इनफैक्ट जो भी मैं बोलूँगा अपने एक्सपीरियंसेस और लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगा. तो बेसिकली चलिए एक न्यू आईटी टॉपिक उठाते हैं कि वेदर टू ज्वाइन टीसीएस और विप्रो. है ना आपके मन की डाउट, बहुत लोगों के मन की ये डाउट होगी बिकॉज दिस ईयर द आईटी मार्केट इज इन बूम. बहुत लोगों के पास दो जॉब ऑफर होगी या डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द बूम आईटी मार्केट. और आप लोग देखे होंगे विप्रो ने कुछ नई अपने पैकेज स्कीम्स लाए हैं इस बार. That is around it increment they have shown the increment, जिसकी detailed video next video में हो सकती है. पर अभी के लिए first year की package around 3.5, then after 6 months कुछ package is increased to 6.7, after 1 year 4.2 to 4.8, after that 4.8 to 7, after that 7 to 10, some like this is kind of the flexi package given by Wipro right now. So people might be excited that yes, they are being drawn and they are able to see to next 4 years from down the line. Means fixed, because you're definitely going to, if they are contracting or they are signing a bond, means you're signing a bond, you're definitely going to get that. And secondly, on the second part, TCS package that is 3.36 and plus 60,000 variable. The dusri package hai aapki TCS Ninja ki. तो यार काफ़ी डाउट में हो ना आप लोग कि कहाँ जाऊँ. मैं अभी जेन्युइन मतलब कि बेस पैकेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही TCS डिजिटल की बात करने जा रहा हूँ, ना ही मैं TCS विप्रो टर्बो की बात कर रहा हूँ. जनरल पैकेज जो मैंने बेस इंजीनियरिंग वाले लोगों को जो पैकेज मिलता है उस पर बात करता हूँ. तो बेसिकली आप लोग कन्फ्यूज होंगे, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्यों ना TCS चल जाया जाए, क्यों ना विप्रो चल जाया जाए. तो पहले अपने आप में झांको इस सवाल के लिए. देखो बेसिकली एवरी वन इज़ डिफरेंट, सबकी अपनी गोल्स है, अपनी एम है, कैसे उनको मतलब अपने कैरियर में आगे बढ़ना है. ये नहीं बोल रहा मैं डेस्टिनी के बात कर रहा हूँ. कुछ लोग चाहते होंगे कि या आईटी वर्ल्ड में ही सर्वाइव करें, कुछ लोग चाहते होंगे कि दे वांट टू डू एमसीए एमबीए, और बहुत लोगों के ये मन होगी दे आर जस्ट देयर हेयर टू गेन एक्सपीरियंस एंड आफ्टर दैट दे वांट टू लीव दैट. और बहुत लोग बस 1-2 साल करना चाहते होंगे फिर वो अपने बिजनेस करना चाहते होंगे. मीन्स एवरी पर्सन माइट बी हैविंग देयर ओन डिसीजन कि क्या करना है उनको. सो जो पॉइंट आती है यहाँ पे, मैं पूरे पॉइंट निकाल के रख देता हूँ कहाँ जाने से क्या फ़ायदा है. एट द एंड आपको डिसाइड करना. और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कंसल्ट कर दूं तो यार कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट पूछो कि क्या एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट. मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैच करके बता दूंगा कि आपको कहाँ जाना आपके लिए ठीक रहेगा जेन्युइन पॉइंट्स के साथ. बट हाँ, राइट नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि कहाँ जाए, कोई भी फिक्स आंसर नहीं होता. जो भी बोलते हैं ना यार यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं होता. इट्स टोटली इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. सबसे पहली बात, मैं एकदम फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ. अब मैं आपको आता हूँ दोनों की फैक्ट्स और मतलब की प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ. तो चलिए TCS से शुरू करते हैं. तो बेसिकली जो TCS है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, तो फ्रेशर 3.36 एंड प्लस 60,000 एज अ वेरिएबल की पैकेज दे रही है, जो अराउंड 4 आप बोल सकते हो. सो इफ़ यू आर ज्वाइनिंग देयर, देखिए प्रोज की बात करता हूँ मैं वहाँ पे. प्रोज आपको भी पता है, TCS इज़ अ मीन्स वेरी नोन फॉर द स्टेबिलिटी. If you want a job stability and all, it is a good company. Earlier there were lots of on-site opportunity, but yes, right now it is not as per compared to the last time. After that also, you are getting lots of benefits through Tata products. आप जा रहे हो टाटा की कार लेने, डेफिनेटली आपको नॉर्मल पर्सन से कम पड़ेगी एज एन TCS एम्प्लॉय. जा रहे हो टाइटन की घड़ी खरीदने, इनफैक्ट जरूर कम पड़ेगी. सो दीज आर द बेनिफिट्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ओवर द TCS. आफ्टर दैट दे आर हैविंग अ ह्यूज मेडिकल पॉलिसी, बहुत ही अच्छे मेडिकल स्कीम्स एंड पॉलिसीज इंश्योरेंस कवर करते हैं TCS.
इनफैक्ट आई नो द पर्सन हु आर गेटिंग बेनिफिटेड लॉट्स. आई डोंट थिंक इट इज़ एज पर इन इन विप्रो इन कंपेयर टू. आफ्टर दैट इन टी सी एस इफ यू वॉन्ट टू जस्ट सिट देयर एंड वॉन्ट टू गेन एन आई टी एक्सपीरियंस एंड वॉन्ट टू वर्क फॉर दैट कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ गुड कंपनी फॉर यू. इफ़ यू आर रियली ड्रीमिंग फॉर अ वन कंपनी, दैट इज डेफिनेटली यू वॉन्ट टू रीच योर हाइट ओवर देयर टिल लॉन्ग रन. आई विल से none of the company can be better than TCS because they are वहाँ की जो जॉब सिक्योरिटी है कोई भी कंपनी बीट नहीं कर सकती वहाँ की. आफ्टर दैट TCS में बेनिफिट्स, वर्क लाइफ बैलेंस. वैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस भी लोग बोलेंगे कंपनीज पे डिपेंड करती है, मैं बोलूँगा नहीं, प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करती है. प्रोजेक्ट्स पे एकदम फैक्ट्स के साथ बात करो, अगर आपकी प्रोजेक्ट्स लाइट है तो यह आपको वर्कलोड कम होगा. बट हाँ, इन कंपेयर टू एनी ऑफ द अदर कंपनी, बिकॉज जो TCS की प्रोजेक्ट्स है वो जनरली गवर्नमेंट्स एंड ऑल प्रोजेक्ट्स है, तो वहाँ की जो प्रेशर है एज कम्पेयर टू द अदर प्राइवेट कंपनी वैसी प्रेशर नहीं है. अब मैं बात करता हूँ TCS में जाना सही रहेगा नहीं, तो यार देख लो, TCS अगर आप एक बार जाते हो ना तो आपको मतलब कि वापस अगर आप छोड़ के वहाँ वापस नहीं आ सकते. द बूमरंग इज़ नॉट अलाउड इन TCS, जो कि एनी ऑफ द अदर कंपनीज में अलाउड है. सो चॉइस इज़ योर, यू वॉन्ट टू स्टार्ट विथ TCS और एंड विथ TCS, टोटली आप पे डिपेंड करता है ये चीज़. अब पैकेज यार कोई कंसर्न ही नहीं है एज अ फ्रेशर, बिकॉज यार डेफिनेटली. और इंक्रीमेंट के बारे में बात करें तो क्या आपको लगता है अगर पैसा कंसर्न है कि गारंटीड आपकी TCS में 10 लाख होगी, तो मैं एकदम फैक्ट फिगर बता रहा हूँ, गारंटी नहीं है कि 7 to 8 लाख होने वाली है आपके नेक्स्ट 4 ईयर्स में, गारंटी बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप लंबे समय के लिए बीच में कभी बेंच पर चले गए, इंक्रीमेंट बहुत कम मिलेगा. एंड इफ़ यू आर इन द गुड प्रोजेक्ट, इंक्रीमेंट मिल के 10 या 15 भी हो सकती है, बट देर इज़ नो लिमिट. बट हाँ, गारंटी नहीं है, हो सके बहुत लोगों का 5-5% अगर बढ़ रहा है 4 साल के लिए, चलो मीडियम वाला ले लेते हैं, 10% बढ़ रहा है 4 साल के लिए, तो 440, 480, 520, यू आर स्टक एट 520 ओनली, वाइल विप्रो इज़ गिविंग अश्योर्ड 7 लाख इन द न्यू पैकेज. सो TCS की मैंने बताया कि क्या मतलब कि बेनिफिट्स है, क्या ख़राब है. TCS अब वापस नहीं आ सकते, पैकेज अश्योर्ड नहीं है, इट कैन बी लिमिटलेस, बट यार इट इज़ नॉट अश्योर्ड. अगर सबसे मिनिमम 5-10% हाइक मिलने लगा, सो यार आप समझ जाओ कि 5 के अंदर भी जा सकता है आफ्टर 3 or 4 years. सो टोटली डिपेंड. और हाँ, लिमिटलेस 15 लाख, अच्छा टेक्नोलॉजीज पे काम मिला तो कहाँ बूम करोगे पता नहीं, मतलब एज पर द एक्सपेक्टेशन, एज पर द सर्विस इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट. ये नहीं यार आप बोलोगे कि हाँ 2 करोड़ तो नहीं मिल गया, ऐसा सवाल मत करना प्लीज़. आई एम टॉकिंग इन रेस्पेक्ट टू सर्विस इंडस्ट्री, कहीं भी भाग सकते हो 20-25, टोटली डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी दैट यू आर वर्किंग इन. अब आते हैं विप्रो के कुछ पॉजिटिव पॉइंट के साथ बात करते हैं, वाई विप्रो, अगर विप्रो जाना चाह रहे हो तो बेसिकली विप्रो भी मतलब कि एज पार्ट टू द TCS उसकी भी जो सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छी है, पर TCS को तो बीट नहीं कर सकती है. सब लोग जानते हैं कि TCS इज अ काइंड ऑफ सेवी गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट, प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट ऑलवेज टेल अबाउट. अब विप्रो में क्या प्रोज एंड कॉन्स है ये जान लो. प्रोज मैं बताऊंगा कि जैसे कि विप्रो ने अभी अपना जो नया पैकेज स्कीम और ब्रेकेज दिया उसमें डायरेक्टली बताया 1 साल के बाद इतना, 2 साल के बाद इतना, 3 ईयर्स के बाद इतना, 4 ईयर्स के बाद इतना. सो दैट इज गिविंग यू एन अश्योरिटी दैट आफ्टर 4 ईयर्स इफ यू आर नॉट गेटिंग अ स्विच, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट पैकेज, दैट मनी. सो दैट इज़ अ बिग अश्योरिटी यार, क्योंकि अगर 5-10 कहीं पे अगर कम इंक्रीमेंट होता है तो उससे तो अश्योर्ड हो कि हर एक लोग जो जा रहे हो कम से कम इतना पाओगे, मतलब इतना तो पाओगे, बेंच मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट दैट व्हाट दे आर रिक्वेस्टिंग टू यू, मतलब दे आर डिस्प्लेइंग टू यू. आफ्टर दैट बेनिफिट्स आप बोल सकते हो, सिक्योरिटी इज क्वाइट गुड अदर IT कंपनी के रिस्पेक्ट में. और अगर प्रोस बैन करें तो बॉन्डेज है, बैंडेज है. हाँ, और विप्रो में एक और फ़ायदा है कि विप्रो छोड़ के फिर से वापस विप्रो आ सकते हो, जो कि TCS में पॉसिबल नहीं है. तो आपको ये पैकेज जो है ये बॉन्डेज वाला, कि आपको जाना चाहिए कि नहीं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है आगे. ठीक है, लोगों के कहने पे मत जाओ, अपनी सुनो, अपनी गोल्स को सेट करो, इतने पत्थर की लकीर मत बनो. आपकी गोल्स क्या है उसके रिस्पेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए. सो मैं तो लगता है काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिया होगा, वीडियो भी लंबा हो गया है. और अगर कुछ पॉइंट अगर कवर करना रुक गया, अगर आप जानना चाहते हो क्या है बॉन्ड्स, क्या है पैकेजेस, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. अगर ये वीडियो आपको को अच्छा लगेगा, डेफिनेटली मैं आगे वीडियो इसके ही एक्सटेंड करके वीडियो बनाऊंगा. अगर नेक्स्ट पार्ट में भी नहीं आया तो उसके नेक्स्ट पार्ट में बन जाएगी. बट यू आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, क्या आप रिस्पॉन्स चाह रहे हो विप्रो या TCS की वीडियोज़ में. और फॉर वट एवर द रीज़न, इफ यू लाइक माई एफर्ट, मतलब कि जो मैं बताना चाहिए, बकवास लगा तो या सिंपली डिसलाइक करो,
डिसलाइक करके कमेंट में बताओ कि क्या बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं रात के 12 बजे वीडियो वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, इट्स सी 12, वो भी ऑफिस आवर्स के बारे में, तो एक्चुअली एक डिलीवर मतलब कुछ प्रॉपर डिलीवर करना चाहता हूँ, ये नहीं कि बस आके बकवास करके चला गया। इनफैक्ट कुछ भी जानना हो कमेंट बॉक्स पर डालो, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मैसेज भी करके, डीएम करके। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्ट डीएम्स में कि क्या एक्चुअली आप जानना चाह रहे हो। बहुत लोगों ने हेल्प लिया है ZS की मटेरियल्स एंड एसेंचर के बारे में, काफ़ी लोगों ने पूछा है। सो या आई टोल्ड देम एंड आफ्टर इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड ग्रुप। जिन्हें भी जानना है शेयर कर दो, मेरा भी भला होगा, उनका भी भला होगा, और कुछ भी उनको जानना है या टेलीग्राम चैनल लिंक भी है वहाँ भी कमेंट कर दो या फिर DM करो इंस्टाग्राम पे आके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग इंटरव्यूज और आपकी जो भी ड्रीम्स है वो पूरी हो जाए। सो बाय बाय फ्रॉम इन्फॉर्मेटिका, आप जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।